जी अकबर भाई, आज जो है आज कलेक्टर ऑफिस एक निवेदन दी है कोरोना वायरस को लेकर, उसमें क्या विषय था? विषय ये है कि मार्च एंडिंग का महीना है ये, मार्च एंडिंग के नाम पे एमएसबी, महापालिका, बैंकिंग, सौकार, जो व्यवहार, आर्थिक व्यवहार जो होता, जो जनता को देना पड़ता, वो आज कलेक्टर साहब ने खुद 144 लागू किया है, 144 डिक्लेयर किया है। इसके बेस पर महापालिका और एमएसबी ऑफिस के कुछ कर्मचारी और अधिकारी हर जनता के पास एक दादागिरी टाइप पैसे वसूल कर रहे हैं। ये कोरोना वायरस जो है वर्ल्ड लेवल पे डिक्लेयर किया वाला है, वर्ल्ड लेवल की बीमारी डिक्लेयर की वाली है। पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी से लोग बेचैन हैं, परेशान हैं। और नांदेड़ एक ऐसा एरिया है, यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, यहाँ ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई मजदूरी है, यहाँ के रोज़ मजदूरी करना और खाना, यहाँ पे मिडिल क्लास लोग ज़्यादा है, यहाँ पे गरीबी का लोग ज़्यादा है, गरीबी वाले लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। इस हिसाब से मैंने कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करा, विनंती करा कि जो वसूली है, बैंक की रहो या महापालिका की रहो या एमएसबी की रहो, आने वाले दिनों के अंदर 3 से 4 महीने का टाइम नांदेड़ ज़िले के जनता को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे लोगों के खाने की परेशानी हो चुकी है, यहाँ लोग ठीक से 3 टाइम का खाना तक नहीं खा सक रहे हैं, क्योंकि कोरोना के तरफ से खांसी हो या सर्दी हो, थोड़ी सी सर की बात के हर व्यक्ति, हर नागरिक नांदेड़ का अपने हॉस्पिटल में बच्चा रहो या बच्ची रहो या फैमिली का कोई भी व्यक्ति रहो, वो इंसान रहो, उसको लेके कोरोना वायरस के डर से दवाखाने में जाने ही पैसे नहीं रह रहे वो लोगों के पास। तो इस तरीके से जो दादागिरी टाइप वसूली चढ़ रही, ये वसूली बंद होना चाहिए, नहीं तो गोर गरीब जनता की हालत ख़राब होंगी, इसमें आत्महत्या का और लोगों का गलत डिसीजन लेने के फैसले ज़्यादा होंगे। इसलिए जनता को रिलीफ देने के वास्ते, जनता को आराम देने के वास्ते और जनता को एक न्याय देने के वास्ते जिला अधिकारी से मैंने ये निवेदन किया। ये इस प्रकार से कोरोना वायरस को लेकर जनता को लूटे जा रहा है डॉक्टर के माध्यम से, और डर की बता रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा होना है? जिस तरीके से नांदेड़ जिले के एस पी साहब ने 2 गुने दाखिल करे 2 व्यक्तियों के ऊपर जो कोरोना वायरस के ऊपर ऑफर करे थे, वैसे अगर डॉक्टर, अगर भय बताता हूँगा तो डॉक्टर की डिग्री छीन के उसको जेल में डाल देना चाहिए। 1-2 डॉक्टरों पे कार्रवाई होंगी तो सब डॉक्टर ईमानदारी से ट्रीटमेंट देंगे यहाँ की जनता को। हाँ, इन ये कोरोना वायरस का अगर कुछ होगा या फिर खांसी बुखार सर्दी भी जो रहेंगी, तो ये डॉक्टर, हर डॉक्टर के अंदर फ्री चेकअप होना चाहिए, हर डॉक्टर इसका है कि नहीं, इसमें कॉपरेट और मदद करना चाहिए। यहाँ पे जो सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है और एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट के डॉक्टर है, वो प्राइवेट डॉक्टर के अंदर हर क्षेत्र के अंदर 2-2 डॉक्टर को शिफ्ट वाइज देना चाहिए। ये 144 धारा लगी हुई है, मगर लोग जो है घूमते हैं, मगर उसके बाद कभी शटडाउन हो गया, शटडाउन होने के बाद कारोबार में मंदी आने की, उसके लिए क्या? कारोबार की मंदी तो आ चुकी है, पर ये कारोबार की मंदी का जो बिजनेस का है, कलेक्टर साहब ने इसके ऊपर ध्यान देते हुए व्यापारी लोगों की एक मीटिंग लगाना चाहिए, जिस तरीके से राशन वालों की अलग मीटिंग होना चाहिए, फ्रूट वालों की अलग होना चाहिए, सब्जी वालों की अलग होना चाहिए, जिस तरीके से रोज़मर्रा की जो चीज़ें लगती जनता के लिए, उसका पूरा निर्णय कलेक्टर साहब ने, सिर्फ कागज़ पर काम नहीं चलना चाहिए, सबका पूरा प्रैक्टिकल काम करते हुए डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जनता के दिल में कोरोना का भय इतना भय हो गया है कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2-व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या, टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।